पहले तो सब कीपैड फोन आया करते थे, फिर 3G फोन आया, 4G आया, 4G आने पर हम अटक गए उसमें। और जब मैंने एडमिशन के लिए कॉल किया था तो पहले ही शरत रखी थी, सुजीत सर को क्लास लेंगे तो ही मैं आऊंगा। इस लेवल तक किसी को पढ़ाना मतलब कि इतने कम बजट में तो इम्पॉसिबल। मैं जब भी कोई कॉम्पोनेंट देखता हूँ उस पर निर्णय लेता हूँ, उसके लिए पहले नॉलेज पता चल चुका है क्यों करता हूँ, ऐसे तुक्का नहीं मारता। पहले था क्या कीपैड वाला हूँ, अभी जब 4G आ गया तो उसका सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है जी। अगर आगे वाला आगे में जो कोर्स किया है उसने सोचेगा कि हम 4G में 5G में काम कर लेंगे तो वो गलत चीज है एकदम। सच में बोलने से अभी जो ट्रेनिंग नहीं लेगा वो 4G 5G का सेट बर्बादी का बिना अच्छा नहीं कर सकेगा। हेलो गाइस, एक इन्फो इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास अभी 50 स्टूडेंट हैं, तो जानते हैं इंडिया के उन लोगों के बारे में जो एक अलग ही उम्मीद लगा के सुजीत सर के पास आए हैं एक इन्फो इंस्टीट्यूट से। उनका सपना था क्लास करने का, आखिर हम उनसे भी एक राय लेते हैं कि क्या उनको कैसा लगा यहाँ की मैनेजमेंट कैसे लगी, यहाँ की ट्रेनिंग कैसे लगी। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? नीरज। नीरज जी कहाँ से हैं आप? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर यूपी? यूपी। ओके, क्या करते थे आप पहले? मैं मोबाइल के काम करता हूँ, दुकान है मेरी। क्या क्या कर लेते थे आप? पहले तो सब कीपैड फोन आया करते थे, फिर 3G फोन आया, 4G आया, 4G आने पर हम अटक गए उसमें। अच्छा अच्छा, क्या करें। हाँ। फिर वीडियो देखी काफी सारी तो यहाँ पे आए। तो क्या अच्छा लगा था आपको सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्या, सर ने शुरू से पढ़ाया हमें एक एक कैपेसिटर से कैसे बहुत डीपली से लेके आप पेस्टेड आईसी भी कराने लगे। पेस्टेड आईसी पे भी हैं आप? वेरी गुड। पावर आईसी, चार्जिंग आईसी का सारा चैप्टर ने। तो सुजीत सर से ही ट्रेनिंग लेने का क्यों फैसला लिया था आपने? इनकी वीडियो देखी काफी यूट्यूब पे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। यहाँ पे एक महीने पहले डेमो लेने आया मैं, और एक महीने बाद फिर मेरा फीस हुई रजिस्ट्रेशन करने के बाद जी, फिर आया मैं। फिर आए आप, प्री बुकिंग करा के आए? प्री बुकिंग करा के। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, प्री बुकिंग लोगों को कराना चाहिए अपने सीट को सिक्योर करने के लिए? सीट को सिक्योर करनी चाहिए, पहले प्री बुकिंग करा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्लास मिलती भी नहीं तो मिलती है, एंट्री नहीं हो पाती, हमारा चैप्टर छूट जाता है। वेरी गुड। क्लास भी हमारी 10 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है। जी जी जी, 10 बजे रात तक क्लास होती है। ओके, तो आप बोर नहीं होते हो? नहीं, बोर नहीं होते। नहीं होते हैं बोर। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, यूपी के काफी लोग देख रहे हैं उसको, एक इंस्टीट्यूट ही क्यों आना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर कोई भी दुकानदार मुझे देख रहा अपग्रेड होके काम करे, अपने ग्राहकों को बढ़िया सर्विस मिलेगी। मैं भी इसलिए आया हूँ कि मेरे ग्राहकों को अच्छी सर्विस मिले, 5G का जमाना आने लग रहा है। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से जाने के बाद कितने परसेंट कस्टमर आपके वापस होंगे? अब तो मुश्किल ही जाएंगे मैम, अब नहीं होंगे वापस। ओके, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? सुजीत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुजीत सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा तो मुझे अच्छा लगा, एक एक चीज का, एक कैपेसिटर का, सब कुछ सब बता गई। वेरी गुड, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र। कहाँ से नरेंद्र जी? गुजरात। गुजरात से आप? ओके, नरेंद्र जी क्या कर रहे थे अभी आप? अभी पेस्टेड आईसी रिबॉलिंग कर रहा था। पेस्टेड आईसी रिबॉलिंग कर रहे थे। गुजरात से इतने दूर से एक इन्फो आए हैं, क्यों सर, क्या क्या रीजन रहा आपका यहाँ आने का? अभी अपडेट होने के लिए आए हो मैडम। अपडेट होने आए हैं आप? वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको सुजीत सर का क्लास? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपको? सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? कुछ कोडिंग सिखाई है जिससे टाइम बहुत बचता है, मतलब जो 4-5 घंटे में फोन रिपेयर होता था वो कोडिंग के जरिए आधे घंटे में हम कर सकते हैं। वो फोन आधे घंटे में आप कर सकते हैं, टाइम की सेविंग करा रहे हैं सर। ओके, तो सर आप गुजरात के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपनी लैंग्वेज में एक लाइन बोल के बताइए उन्हें। रिपेयरिंग जो कॉस्ट करवानी गणतरी हुए तो एक बार सुजीत सर ने मड़ी ने जोई। क्यों क्यों, क्या खास है सुजीत सर में? मतलब पूरा खजाना है नॉलेज का उनके पास। और जब मैंने एडमिशन के लिए कॉल किया था तो पहले ही शरत रखी थी, सुजीत सर को क्लास लेंगे तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो आप ही चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो वो चीज मिली आपको यहाँ आने के बाद? सैटिस्फाइड है आप? हाँ मैडम। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। कहाँ से देवेंद्र जी? मैं हूँ यूपी से। यूपी से आप? यूपी से। ओके, क्या कर रहे थे आप पहले? पहले रिपेयरिंग के ही लाइन में था 2 साल से। 2 साल से जी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा आगे सीखने के लिए आया। सीखने के लिए आए हैं। क्या नया मिल रहा है आपको यहाँ पे? नया मिल रहा है मैम, डबल डेकर वगैरह है, पेस्टेड आईसी वगैरह है, ये सब अभी आज सर ने बताया है। पेस्टेड आईसी काटने के लिए मैंने काटी भी है, अभी कोई देख के बता नहीं सकता मैम कि ये, मैं मतलब देखने से ऐसा लगा मैं 2-4 साल से काम कर रहा हूँ जी।
तो सर सुजीत सर की कोडिंग के लिए सुजीत सर बहुत ज्यादा नामी है कि सुजीत सर की कोडिंग बहुत जबरदस्त है, तो क्या आपको क्या नया लगा सुजीत सर के कोडिंग में? कोडिंग असल में होता क्या मैडम, कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं फॉल्ट ढूंढते ढूंढते जी। अभी ये कोडिंग के जरिए हम एग्जैक्टली कहाँ पे हमें अटैक करना है, वो बीमारी कहाँ पे है, उसको हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ऑल ओवर आपको कैसा लगा यहाँ का? आपको ऐसा क्यों लगा कि जो एक इन्फो क्वालिटी मेंटेन कर सकती है वो कोई अदर इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती है? आपने क्यों डिसीजन लिया एक इन्फो आने का? देखिए मैम, मैं जैसे पहले भी मैं काम करता था तो कोई भी मैकेनिक आके यहाँ पे देख सकता है, उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो टीचर को अपने आ सकता है जी। जो भी चीजें होती है वो नहीं कर पा रहा है वो खुद आके पूछ लेगा, सर एक बार में ही उसको जी बता देते हैं क्या करना है। जी जी जी। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि वो आए, अपना जो भी डाउट है क्लियर कर लें। आप यूपी के भाई लोग को क्या कहना चाहेंगे जो भी आपको देख के आने का डिसीजन ले रहे हैं? जो भी आना चाहते हैं ठीक है, पूरा अपना एक ही बार में जो लग रहा है पैसा दें, उसके बाद जीवन भर कमाएं, अपडेट भी चलता रहेगा, उसके लिए कोई पैसे नहीं है। सस्ते के चक्कर में लोग इधर उधर भटक जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? सस्ते के चक्कर में जब मतलब कि सस्ता तो मैं हमेशा वही अधूरा नॉलेज रहेगा, अधूरा नॉलेज में आज के जमाने में कुछ होगा नहीं। अच्छा, वही अच्छा। हमारा काम जो है दूसरा आदमी कर देगा और उसकी नाम फिर वही कमाएगा, हम क्या करेंगे। जी 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 जी। तो अपडेट भी होना बहुत जरूरी है, अपडेट होना बहुत सही जगह से। तो सुजीत सर में सबसे अच्छी क्या लगी आपको? सर कोई भी चीज अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूछो, दो बार पूछो, अभी 10-10 बजे रात तक साथ में ही बैठे रह जाते हैं, मेहनत करते हैं सर भी, स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं, स्टूडेंट को माइंड को डायग्नोस करते हैं, राइट? कोई चीज भी हमें नहीं आ रहा है तो तब तक समझाते हैं जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम हो आपका? मनोज गुप्ता। क्या मैं जान सकती हूँ क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी 21 है। ओके, आप इतने कम उम्र के होके भी आप एक प्रोग्रामिंग लेवल का क्लास कर रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रही है? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी जो प्रोग्रामिंग लेवल है वो अभी सर आज से बताना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से बता नहीं सकते। तो आप आपको क्या लग रहा है कि आप सारा चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अभी तो जो सुजीत सर जो भी बताते हैं उसको रिपीट करवाते हैं, तो इसलिए जैसे जैसे आगे बताते जा रहे हैं वैसे ही रिपीट होता जा रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रही है। अभी आपके क्या चीज की टॉपिक चल रही थी? अभी तो जो चल रहा था पेस्टेड आइज, वाइट पेस्टेड कैसे काटना है, कैसे लगाना है, कैसे करना है, उसके बारे में अभी बता रहे थे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया। बिहार में कहाँ से आप? बिहार से मैं बक्सर से। बक्सर जिला से हैं। वेरी गुड। तो बिहार के लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं आप? उनको दिल्ली गफ्फार मार्केट सुजीत सर के लिए से ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों आना चाहिए? बिहार में आइए और खुद समझ जाएंगे, सुजीत सर से एक बार मिलिए आपको खुद पता चल जाएगा वो कैसे पढ़ाते हैं, एक बार उनका क्लास लेके देखिए, सुबह से शाम तक लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या नॉलेज देते हैं वो। एक बार नहीं, एक चीज को बार बार समझाते हैं जब तक उनको मतलब माइंड में रिपीट नहीं हो जाए, उसको हाथ से एकदम पूरा कंप्लीट आने नहीं लगे तब तक। तो सर आप बताएंगे, सर आपको हमारे कोर्स की जो फीस है वो आपको जैसे कि सबको पता है कि हमारी फीस 55,000 है कंप्लीट कोर्स का, तो 0 to एडवांस है, एडवांस टू मैक्रो लेवल का। तो जब आपने लगाया तो आपको उस टाइम महंगी लगी होगी, अब आप क्लास कर रहे हैं तो अब क्या लग रहा है आपको? मुझे तो अब लग रहा है कि मैं जितने भी डीपली नॉलेज होता है मैंने वो सब ले लिए, अब जो स्टार्टिंग से अब चल रहा है मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ तो मैं मोबाइल को अच्छे से रिपेयर कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता हूँ। तो बिहार के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बिहार के लोगों को यही बता सकते, एक बार आओगे तो आप खुद संतुष्ट हो जाओगे सुजीत सर के क्लास के लिए। अच्छा, गफ्फार मार्केट क्यों आना चाहिए लोगों को? गफ्फार मार्केट इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर रिपेयरिंग का नॉलेज आपको अच्छे से चाहिए, डीपली नॉलेज का चाहिए, तो आपको एक बार यहाँ आके खुद डिसाइड करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं? जी मैम, बिल्कुल। कैसे अच्छे से मिले आप यहाँ के जो ओनर हैं? जी सर मिला था। कैसे लगे वो आपको? एकदम नेचर उनका बहुत अच्छा है मैम। क्या अच्छा लगा आपको? वो उनका बताने का तरीका, बिजनेस कैसे करना है, अगर कोई बिजनेस में कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प कर देंगे, और वो बता रहे थे जैसे अगर बिजनेस नहीं तो कोई शॉप पे काम करना है तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, सब चीज सारे चीजें प्रोवाइड करते हैं, सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। थैंक यू मैम। हेलो डियर, क्या नाम हो आपका? सत्यम कुमार। सत्यम जी कहाँ से आप? झारखंड से। झारखंड से आप दिल्ली आए हैं गफ्फार मार्केट, राइट? क्या बेनिफिट मिला आपको दिल्ली आने का? दिल्ली आने का मैम बहुत सारा बेनिफिट मिला, एक तो बहुत डीपली नॉलेज कंपोनेंट के बारे में, और कैसे ट्रेसिंग करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हमको काम करना है बोर्ड में, वो सबका नॉलेज हम डीपली से मिला मैम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम यदि कोई डेड मोबाइल यदि लेते हैं तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ
हम रिपेयर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। क्या क्या कर लेते हैं अभी आप? अभी मैम अभी तुरंत सर बताएं कि व्हाइट पेस्टेड आईसी को कैसे उखाड़ना है, कैसे लगाना है, कैसे बॉल बनाना है, कैसे रिवॉल्व करना है, वो सब चीज बताएं, तो उसी को हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं। जी तो जो सुजीत सर आपको डायग्नोस करने का एक जो तरीका बता रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत अच्छा है मैम, और मतलब दूसरे के तुलना में बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक है। हमारी फीस थोड़ी सी महंगी है, तो महंगी तो नहीं है मैम, महंगी तो नहीं है, क्योंकि इस लेवल तक किसी को पढ़ाना मतलब कि इतने कम बजट में तो इम्पॉसिबल है। मतलब जब आप लोगों को नॉलेज मिलती है इस लेवल की, तो आपको वैल्यू पता चलती है कि क्यों महंगी है। और इस लेवल की ट्रेनिंग करने के लिए अगर आप चाइना और कोरिया जाते हैं, तो लगभग 2.5-3 लाख के आसपास आपका खर्च बैठ जाएगा। तो सुजीत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सबसे अच्छा क्या लगा उनका? उनका सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा मैम। और आप एक ही टॉपिक को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही टॉपिक को आप जितना मर्जी उतना बार पूछ सकते हैं, वो सर बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। झारखंड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, यदि इस लाइन में जो भी आना चाहते हैं वो बेफिक्र होके आ सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और फिर यदि आपको कोई डाउट बुझाता है, तो आके यहाँ पे आप डेमो क्लास ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र भट्टराय। देवेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? नेपाल। नेपाल में कहाँ से हैं? नेपाल में काठमांडू से। काठमांडू से आप, वेरी गुड। तो सर आप काफी मैच्योर है, कितने दिन से काम कर रहे थे? मैं तो अभी 10 साल हुआ। 10 साल से आप काम कर रहे थे, क्या क्या काम आपसे छूट रहा था? जो आईसीए काम छूट रहा था, ट्रेसिंग पता नहीं था, फॉल फाइंडिंग पता नहीं था, वैसे वैसे घर पसंद 10 साल चला रहा था। अब इम्प्रूव होने लगा, फॉल फाइंडिंग क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, अब जाके जो पहले काम करता उससे भी अच्छे से काम आने लगा। सॉफ्टवेयर काम नहीं पता नहीं था, सॉफ्टवेयर भी सब सीख लिया। वेरी गुड। तो देवेंद्र जी आप एक चीज हमें बताएंगे, रियर आप नेपाल से काठमांडू से यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे काठमांडू के भाई लोग हैं जो आपको अभी देख रहे होंगे और आने का थोड़ा बहुत प्लान बनाएंगे, उनको क्या रिव्यू देना चाहेंगे और अपनी लैंग्वेज में बोलिए प्लीज। यदि तपाईहरु नेपाल बाट इन्डिया अथवा दिल्ली आउन चाहनुहुन्छ भने दिल्लीमा धेरैवटा इन्स्टिट्युट छ, त्यसमध्ये यहाँ पनि बेस्ट इन्स्टिट्युट भनेको आइके इन्स्टिट्युट हो है। यसलाई यो इन्स्टिट्युट छानेर तपाईँहरू आउनुहोस्। यसमा आउँदाखेरि तपाईँलाई पहिला महँगो पैसा जस्तो लाग्छ, पढ्दै गएपछि यति थाहा हुन्छ कि यो 5 हजार केही पनि होइन, हामीले धेरैवटा नलेज हामीसँग रहेछ भनेर सब बुझ्न सकिन्छ। सुजीत सर की सबसे अच्छी क्या लगी आपको? सुजीत सर जैसे हम स्टूडेंट लोग वर्क करते ये मोबाइल बनाने के लिए या ट्रेनिंग करते, हमसे भी ज्यादा सर ट्रेनिंग करके हमें सिखाता है। आपसे भी है बेस्ट, मतलब स्टूडेंट बन के स्टूडेंट के साथ बैठ के वो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सुजीत सर के पास इतना नॉलेज है, किसी पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना नहीं है, इतना ट्रेन। तो आपको क्या लग रहा है जो हम लोग जितना लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम कराते हैं, वो कोई अदर जगह आपको पॉसिबल है मिलना? शायद नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, उनको एक इन्फो इंस्टीट्यूट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एब्सोल्युटली एक इन्फो आना चाहिए, एक इन्फो आना चाहिए। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम, क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम अल्पेश है। कहाँ से आप? गुजरात से। गुजरात से है, वेरी गुड। अभी क्या कर रहे थे आप? आईसी रिबॉलिंग का। आईसी रिबॉल कर रहे थे आप? व्हाइट पेस्टेड का सर ने जो आज बताया था। व्हाइट पेस्टेड पे काम कर रहे थे आप। सुजीत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुजीत सर जी के बारे में कहने का मतलब, जो वो पढ़ाते ना, एक्चुअली उनके जैसा मेरे हिसाब से सबसे अलग है। जो वो पढ़ाते हैं, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका, ट्रिक एंड टिप्स जो होती है, एक्चुअली मैं 10 साल से काम करता था, मतलब जो मैंने जो आज तक नहीं देखा, उन्होंने जो बताया मैं समझा, अब तक जो पहले करता था वो 20% है मेरे लिए। ओह गॉड, मतलब आप जो 10 साल से कर, जो सर ने बताया, आपको लग रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है वो 20% की ही नॉलेज है। ओह माय गॉड। तो अब क्या लग रहा है, आप यहाँ पे शॉप पे जाने के बाद आपसे कस्टमर वापस नहीं जाएंगे? ओके, ऑल आप सेटिस्फाइड है? गुजरात के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ, जिसको भी सीखना हो एक इंस्टीट्यूट आए, डेमो ले, अगर आपको अच्छा लगे, फोर्स नहीं करे, पहले डेमो ले, उसके बाद ही पता चलेगा आपको डेमो लेने के बाद कैसा है। यहाँ पे तो डेमो सिस्टम भी नहीं है, हम स्टूडेंट के बीच में लाइव क्लास देते हैं, राइट?
जी मैम। चलो बहुत बढ़िया, तो आप एक लाइन अपने गुजराती में बोलिए। जे कोई भाइयों ने जो रिपेयरिंग काम का सीखू है दिल्ली गफार मार्केट एक इंस्टिट्यूट छे त्यां आईने मली जो अने डेमो एक दिवस नी खाली क्लास लेने का तो तमारा फोन तमारा जोड़े होय तो इंस्टिट्यूट में लाइन आओ तमने ख्याल आई जैसे एक दिवस में। चलो थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम श्रवण सिंह। श्रवण जी कहाँ से आप? मैं यूपी से। यूपी से है, वेरी गुड। अभी क्या कर रहे थे आप? अभी मैं व्हाइट पेस्टेड को निकाल के रिवॉल्व कर रहा था। व्हाइट पेस्टेड निकाल कर आप रिवॉल्व कर रहे थे, वेरी गुड। इतना दिन से कितने दिन क्लास की हो गई, क्या क्या आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए लगभग? क्लास तो हमारा फिलहाल 2 से 3 महीने हो गया, हमने मतलब पीडीएमआर को पूरा कंप्लीट किया है, उसके बाद एजेड किया, फिर उसके बाद एमसेट ज्वाइन किया। एमसेट ज्वाइन किया, ओके। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या क्या आपको कैसा लग रहा है अभी आप? अभी हमको मतलब ऐसा लग मतलब कि कोई भी फोन हो हम फॉल फाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो सुजीत सर जो समझाते हैं ना वो कोडिंग को अकॉर्डिंग जो उनका कोडिंग बताने का तरीका है वो उससे हम डायरेक्ट तो समझ सकते हैं कि हाँ फॉल्ट कहाँ से है, कहाँ से है। अच्छा एक चीज बताइए, पहले क्या आप इस लाइन से थे? नहीं, बिल्कुल फ्रेशर थे। बहुत सारे लोग हैं जो BA MA करते के बाद भी, बहुत सारे एजुकेशन लेने के बाद वो बेरोजगार है, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इस आप तो ये कोर्स कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्या भविष्य है इसमें? इसमें भविष्य में ये है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग इनकम है, जितना नॉलेज उतना इनकम है, और आगे भी चल के ऐसे ऐसे मोबाइल आ रहे हैं कि मतलब कि महंगे महंगे फोन आ रहे हैं, जैसे आप रिपेयर करके दोगे उतनी इनकम आएगी आपको, राइट? उसके लिए चाहिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। मैम जैसे फोन आ रहे हैं 25-25-30 हजार के, हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो हम उस पे हाथ ही नहीं फेरेंगे। अगर नॉलेज रहेगा तभी हम उनको खोल के उनको रिपेयर करेंगे, फटाफट आप करके दे। अगर जैसे नॉलेज ही नहीं है हम खोल के उसे खराब कर देंगे तो जो 30 का है उसे भरना ही पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपका ये कहने का मतलब है कि इस जो मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट करियर है इसमें, लेकिन बेस्ट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जी मैम, ये कहने का मतलब है आपका। जी मैम, इंस्टीट्यूट जो ये कैंप हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना अच्छा जो सुजीत सर पढ़ाते हैं उनका जो पढ़ाने का तरीका है कुछ अलग ही है। वो पहले स्टूडेंट के माइंड को पढ़ते हैं कि हाँ ये बंदा कैसे समझेगा, ओह माय गॉड, प्रैक्टिकल से समझेगा कि थ्योरी से समझेगा, कैसे प्रैक्टिकल करके फिर थ्योरी को उसके माइंड में बैठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ बंदे होते हैं अब इस लाइन में जो आते हैं पढ़ने लिखने वाले उतना तो होते नहीं, अगर पढ़ने लिखने वाले हो तो आगे चल के भी नौकरी भी मतलब ISPCS की तैयारी करें, लेकिन जो आते हैं जो उनको पढ़ने लिखने में थोड़ा रुचि कम रहती है तो सुजीत सर उधर देख के बोलिए। हाँ, वो सुजीत सर उतना मतलब कि गाइड करते हैं कि हाँ ये बंदा जैसे पढ़ने लिखने वाला नहीं है तो उसको समझाते हैं कैसे समझ सकता है कैसे नहीं। नाइस। तो आपका ये आपका ऑल ओवर आप सुजीत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो सुजीत सर की जो डेप्थ नॉलेज है, जो हमारे सिलेबस है, जो चाइना और कोरिया की हम लोग कंटेंट डालते हैं, क्या लग रहा है आपको उस लेवल की नॉलेज कहीं मिलेगी आपको? नहीं मैम, ऐसा जो सर ये नॉलेज देते हैं ना वो हमें वेदर कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उधर देख के बोलिए क्या आप कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी मोबाइल लाइन में जाना चाहता है वो यहाँ एक इन्फो आए और बेस्ट से बेस्ट बन के यहाँ पर रिपेयरिंग वाला बन के जाए। हेलो सर। हेलो, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु, हिमांशु जी कहाँ से आप? जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से आप, वेरी गुड। क्या कर रहे थे अभी आप? अभी मैं IC रिवॉल्विंग कर रहा था, वो भी पेस्टेड व्हाइट वाला। व्हाइट पेस्टेड IC को आप रिवॉल्व कर रहे थे, कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। क्लासेस आपकी अच्छी रही आज की? अच्छी रही जी। तो सर हिमांशु जी, आप एक इन्फो इंस्टीट्यूट आके सुजीत सर का क्लास लेने का क्यों फैसला लिए थे? सुजीत सर का क्लास इसलिए लिया क्योंकि मैं यूट्यूब देख के आया था, यूट्यूब के पुराने रिव्यू बहुत बढ़िया थे, यहाँ पे आया उनसे रिव्यू जैसा था उससे बढ़िया क्लास भी मिला मुझे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा लेकिन कई जगह इंस्टीट्यूट में भी गया मैं, वहाँ की सुविधा ढंग से नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ मैं देखा सुविधा भी अच्छी थी और पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया था। तो आपको क्या लग रहा है जो हम लोग लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मेंटेन करते हैं वो कोई और इंस्टीट्यूट दे सकती है? और इंस्टीट्यूट तो नहीं दे सकती, मैं इससे पहले एक इंस्टीट्यूट में और गया था उसमें ये सुविधा नहीं थी, ये सुविधा नहीं थी उसमें, अपडेट करने का वो फीचर नहीं था। अच्छा, अपडेट सिस्टम कुछ भी नहीं था।
वेरी गुड। तो अभी क्या क्या टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है? मेरा बेसिक कम्प्लीट हो गया। मैं AZ गया था, स्टार्टिंग गया था, और मेरा बेसिक भी कम्प्लीट हो गया है। और क्या बोलते हैं, इसके बाद ट्रेसिंग भी आ गया। मैं ICD बॉलिंग कर लेता हूँ ढंग से। वो भी ICD बॉलिंग क्यों करते है यही मुझे पता है। मैं जब भी कोई कॉम्पोनेंट देखता हूँ उस पर निर्णय लेता हूँ, उसके लिए पहले नॉलेज पता चल चुका है क्यों करता हूँ। तुक्का नहीं मारता। तुक्का नहीं मारते आप? ओके, वेरी गुड। तो आपका आपको क्या कहना है, एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना जरूरी है? प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ नॉलेज की भी जरूरी है। और इंस्टीट्यूट तो ट्रेनिंग तो दे देगी हल्की फुल्की, लेकिन वो ढंग की नॉलेज नहीं दे पाएगी किस कॉम्पोनेंट के किस कॉम्पोनेंट के साथ कैसा करना है। वो नहीं दे पाती। अपन मान लो अपन कोई चीज करते है ना, उसके लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है। बिना नॉलेज के हम कोई कंपोनेंट उठा नहीं सकते, ट्रेसिंग नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। एक इनपो से ही लोगों को क्यों ट्रेनिंग लेनी चाहिए? एक इनपो से ट्रेनिंग इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पैसे तो और इंस्टीट्यूट की तुलना में ज्यादा है, लेकिन उसके उसके साथ सुविधा भी ज्यादा है। उस सुविधा के पैसे ले रहे हैं। और क्या है, सुविधा के साथ सुजीत सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, उसकी उसका पैसे ले रहे हैं, ऐसे नहीं ज्यादा ले रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे पुराने तरीका है ना, वो बहुत बेटर है, बहुत बेटर। पैसे की जैसा ही यहाँ पे 55,000 रुपए में इन्वेस्ट किया, ये बर्बाद नहीं जाएगा। बहुत कुछ सीखा हूँ। वैसे मैं 40,000 में भी कर सकता था, 30,000 में भी कर सकता था, लेकिन उतना नॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ पे उसी हिसाब से नॉलेज मिलता। हो सकता है 40,000 लगाने के बाद फिर से आपको 55,000 लगाना पड़ता, राइट? तो लगाना पड़ता है क्योंकि मेरे को डीपली नॉलेज नहीं मिल पाता, इसलिए मैं क्या पता मैं वापस इधर आ सकता था। वेरी गुड। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है यहाँ से? थैंक यू। हेलो सर, कहाँ से आप? असम से। असम से, क्या नाम हुआ आपका? अशोक। अशोक जी, तो आप क्या एमसेट में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं? यस। कितने दिन से काम कर रहे थे आप? मैं 2004 से। ओ माय गॉड, 4 से कर रहे थे। आपके पास काफी अच्छा अनुभव है पिछले कोर्सेज के बारे में। ओके, तो सर क्या लग रहा है आपको, जो 2004 से आप नहीं कर पा रहे थे और यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट मिली आपको? एक्चुअल में पहले था क्या, कीपैड वाला हूँ भाई। अभी जब 4G आ गया तो इसका सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है जी। अगर आगे वाला आगे में जो कोर्स किया है उसने सोचेगा कि हम 4G में 5G में काम कर लेंगे तो वो गलत चीज है। एकदम सच में बोलने से अभी जो ट्रेनिंग नहीं लेगा वो 4G 5G का सेट बर्बादी का बिना अच्छा नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं अपग्रेडेशन के लिए आया हूँ, जब मेरे को फिर अच्छा नॉलेज मिले मैं 4G 5G पे अच्छा काम कर सकते हैं। आप कस्टमर तो ऐसा ना हो तो भटके नहीं कि मैं ये कस्टमर तो मोबाइल देता है अपना बनाने के लिए, उसको तो पता नहीं है कि मोबाइल अंदर में क्या प्रॉब्लम है जी, मतलब डेड हो गया, खराब हो गया, दे दिया रिटर्न। लेकिन हमको ऐसा नहीं देना है, आपको ऐसे नहीं देना है। सुजीत सर में क्या खास लगी आपको? बढ़िया है सुजीत सर का जैसा हमको, हम तो पहले भी सब जगह घूम के आए हैं, सारा देख के आए हैं। सुजीत सर का जैसा हम यहाँ पे डेमो लिया, पहले हम आया आ चुका है, आके डेमो लिया, डेमो लेने के बाद सुजीत सर से बात किया है, हमको अच्छा लगा। बाद में हम सातों सात कोर्ट ज्वाइन किया। सुजीत सर का जैसा हमको नहीं लगता है कि टीचर मिले, इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है किसी के पास। प्रैक्टिकल में भी जितना है, थ्योरिकल तो है ही, प्रैक्टिकल में भी सारा नॉलेज है। सर आप तो काफी पुराने मैकेनिक है, काफी पुराना एक्सपीरियंस है आपके पास। आपको क्या लग रहा है कि सर जो यहाँ की जो फीस आपने दिया है या फिर जो यहाँ की जो ट्रेनिंग लेवल है वो कहीं और मेंटेन हो पाएगी? नहीं नहीं, यहाँ फीस का तो थोड़ी है, अगर फीस तो देना ही है, अगर अच्छा सीखना है तो अच्छा फीस देना पड़ेगा। अच्छा देना पड़ेगा। ओके, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है सर? 100%। आप क्या कहना चाहेंगे असम के लोगों को? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप अपनी लैंग्वेज में एक लाइन बोलिए। মই বিচাৰোঁ যে সকলো যোনে যোনে মোবাইলৰ কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান, তেওঁলোকে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰে একে ইনফো গোপাল মার্কেটৰ আহি জইন কৰিব লাগে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ডিয়ার। হেল্লো স্যার, কিয়া নাম হো আপকা? মেৰা নাম আকাশ দীপ। আকাশ জি, কহাঁ সে আপ? हम ऐसे बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से हैं? गया जिला। गया जिला से। ओके, क्या कर रहे थे अभी आप? अभी हम पेस्टेड आईसी रिवॉल्व कर रहे थे। पेस्टेड आईसी रिवॉल्व कर रहे थे, वेरी गुड। तो कितने दिन से आप काम कर रहे थे? हम काम नहीं कर रहे थे पहले। फ्रेशर थे आप? फ्रेशर थे और यहाँ इससे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं।
तो सर क्या करते थे आप पहले? पहले हम ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ इसके बाद हम इस लाइन में आए। बहुत सारे लोग हैं जो BMA करके बैठे हुए हैं, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इस लाइन में क्या करियर है, वो क्या इस लाइन से जुड़ के अपना करियर बना सकते हैं? जी, इस लाइन से जुड़कर करियर बना सकते हैं, ऐसे सोचे तो अपना भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं, प्लस कुछ अपने कुछ हैंड स्किल आ जाए तो बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है जी, मोदी जी भी बोलते हैं हुनर है तो कदर है, राइट? ओके, तो सर आपको कैसा लगा सुजीत सर की ट्रेनिंग? प्रॉपर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारा चीज? जी मैम, सुजीत सर का क्लास बहुत बढ़िया लगा हमें जी, यहाँ से यहाँ सारा समझ में आ रही है और बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, कुछ कुछ ट्रिक से भी बताते हैं ताकि हम लोग को समझने में और काम करने में आसानी होती है। आसानी होती है, वेरी गुड। आप बिहार के लोगों के, गया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन्हें दिल्ली गफ्फार मार्केट सुजीत सर की ही ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों यहाँ पे आना चाहिए? मैम क्योंकि ये सारा चीज कोडिंग से बताते हैं, हर एक चीज कोडिंग पर बताते हैं ताकि कोई भी फोन हैंडसेट हो वो खराब जल्दी ना हो। अच्छा अच्छा, चाहे जितनी बार आप काम करें सही ढंग से रहे और बन भी जाए, प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो पाए, हो जाए प्रॉपर रिपेयर। ओके, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है एक इंस्टीट्यूट से? जी मैम, यहाँ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? हेलो मैम, मेरा नाम निखिलेश है। निखिलेश जी कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ मैम। महाराष्ट्र से है, वेरी गुड। महाराष्ट्र इतनी दूर से आप दिल्ली एक इंस्टीट्यूट आए हैं गफ्फार मार्केट ट्रेनिंग लेने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम जी। बताएं आप कुछ अपने बारे में, कैसा लगा यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ का ट्रेनिंग, सुजीत सर के बारे में कुछ बताइए आप। सुजीत सर तो सर मैम एक नंबर बढ़िया सिखाते हैं और यहाँ पे सब क्या बोलते हैं इसको, एकदम अच्छे अच्छे मशीन से काम करवाया जाता है और बाकी सारे लेटेस्ट टूल्स एंड ट्रिक्स टिप्स पे काम करवाया जाता है, वो आपको सबसे बेहतर लगा? काफी सारा महाराष्ट्र के लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मी तो त्यांना हे सांगतो की तुम्हाला अगर रिपेअरिंगच्या फील्ड मध्ये यायचं आहे तर तुम्ही एक इन्फो मध्ये या आणि डेमो क्लास करा। तसं डेमो तो होत नाही, तिथे चालत्या क्लास मध्ये तुम्हाला बसवल्या जातात, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की कसं काही शिकवलं जात आहे, तर ते सगळं बघून तुम्ही ऍडमिशन करू शकता अगर तुम्हाला आवडला तर। जो हमारी अगली बैच है वो अक्टूबर में है, आप अक्टूबर के लिए अपनी प्री बुकिंग करा के अपनी सीट को जरूर रिजर्व कर सकते हैं। ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, हम आएंगे जल्दी सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रिया झा की तरफ से आप सभी को नमस्कार।